सो हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो क्लास में यानी इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे झारखंड के प्रथम व्यक्ति के बारे में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन इन झारखंड, झारखंड फर्स्ट पर्सन के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और थोड़ा सा क्लास देने में थोड़ा सा दिक्कत हमें आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हम जिस प्लेस में रहते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नॉइस है, और मुझे ऐसा टाइम अभी तक हम शिफ्ट नहीं हो पाए ऐसी जगह पे जहाँ से कोई भी नॉइस ना हो। और बहुत जल्दी शिफ्ट होने वाले हैं, आप लोग का एग्ज़ाम, आप लोग का क्लास कभी नहीं छूटने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग पॉजिटिव सोचिएगा। और चलिए, और सबसे पहले यहाँ पर झारखंड के प्रथम, है ना, झारखंड फर्स्ट पर्सन, झारखंड के प्रथम राज्यपाल के बारे में अगर हम बात करते हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे, प्रथम महिला राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, झारखंड के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम विपक्ष के नेता इत्यादि के संपूर्ण जानकारी आज हम लोग इसी वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। इसी वीडियो में हम सभी को जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास वाला वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है इस वीडियो में जो कि आप इग्नोर करेंगे। चलिए, सबसे पहले नंबर एक में लिखा गया कि झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल थे ना, यानी झारखंड के प्रथम राज्यपाल तो प्रभात कुमार, याद रखेंगे झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या उसको बोलते हैं, गवर्नर ऑफ झारखंड, तो उसका नाम है प्रभात कुमार। और नंबर टू में जैसे हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है, जैसे हम नंबर टू जाते हैं तो नंबर टू में लिखा गया है यहाँ पर, तो नंबर टू थोड़ा सा किधर गया, हाँ, जैसे नंबर टू में हम जाते हैं तो नंबर टू में यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो थे उसका नाम है बाबूलाल मरांडी। जैसे झारखंड, आप सभी को पता है कि 15 नवंबर, है ना, 15 नवंबर 2000 को ये क्या हो गया था, बिहार से अलग हो गया था। ठीक है, बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना जिसका नाम था झारखंड। ठीक है, जिसका नाम था झारखंड रख दिया गया। और यहाँ पे जैसे झारखंड सबसे पहले बना, तो सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बने थे उसका नाम था बाबूलाल मरांडी। ठीक है, और मतलब झारखंड जब बना तो सारे लोग प्रथम ही होंगे ना। आगे यहाँ चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे उसका नाम था मधु बड़ा। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जाता है कई बार, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मधु कोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा किया जाए, और दिख रहा है सभी को क्लियर, हाँ दिखेगा। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करेंगे, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, आगे बात करेंगे झारखंड के प्रथम महाअधिवक्ता के बारे में, तो झारखंड के जो प्रथम महाअधिवक्ता थे उसका नाम है मंगलम बनर्जी। ठीक है, याद रखेंगे मंगलम बनर्जी झारखंड के प्रथम अधिवक्ता। आगे बात करेंगे झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक के बारे में, और झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक जो थे उनका नाम आपका हो जाता है, क्या नाम है इसका, झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव, नहीं, मुख्य महानिदेशक के बारे में बात करेंगे, जो कि शिवाजी महान केरे। ठीक है, नाम थोड़ा सा अटपटा सा आप सभी को लग सकता है, लेकिन नाम यही है तो दूसरा नाम हम कहाँ से बताएं। ठीक है, आगे झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव के बारे में जान लेते हैं, तो झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव जो है ना वो विजय शंकर दुबे थे। ठीक है, आगे बात करेंगे झारखंड के प्रथम लोक आयुक्त, है ना, लोक आयुक्त कौन थे, तो लक्ष्मण उराम, ये याद रखेंगे, झारखंड के, झारखंड राज्य के महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, तो लक्ष्मी सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और झारखंड के प्रथम महिला राज्यपाल के बारे में बात करें, तो आप सभी को पता होगा ये द्रौपदी मुर्मू जो थी झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल है। ठीक है, इससे पहले झारखंड में, झारखंड स्टेट में यानी झारखंड राज्य में कोई भी महिला राज्यपाल, है ना, गवर्नर नहीं बनी है और ना ही सीएम बनी है। ठीक है, सीएम तो अभी तक बनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर महिला राज्यपाल बन चुकी है जिसका नाम था द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आगे है झारखंड के प्रथम सैनिक जिसे परमवीर चक्र, हाँ, झारखंड के प्रथम सैनिक जिसे परमवीर चक्र सम्मान मिला है,
तो इसका नाम है अल्बर्ट एका। ठीक है, तो रांची में अल्बर्ट एका चौक से, अल्बर्ट एका नाम से एक चौक भी है। आप सब अगर रांची से हैं, आप सभी को पता होगा कि अल्बर्ट एका के बारे में। अल्बर्ट एका वही पर्सन है जो झारखंड के प्रथम सैनिक हैं जिसे परमवीर चक्र से, मतलब उसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखता है झारखंड के प्रथम सैनिक जिसे, ये तो हो गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर, झारखंड के प्रथम पुलिस अधिकारी जिसे अशोक चक्र सम्मानित, हाँ अशोक चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रणधीर वर्मा। ठीक है, रणधीर वर्मा, ये रणधीर वर्मा चौक करके नाम, आपको धनबाद में भी एक चौक मिल जाएगा। ठीक है, रणधीर वर्मा चौक जिसको कहा जाता है धनबाद ज़िले में। ठीक है, तो अगर आप धनबाद ज़िले से हैं तो ये चौक या चौक का नाम याद करके झारखंड के प्रथम पुलिस अधिकारी जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है, इसके बारे में बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में खेला, इसका नाम है निकी प्रधान। ठीक है, जितना भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप सभी को याद करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे बात करेंगे, झारखंड से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, तो इसका नाम हो जाता है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, अभी झारखंड के मात्र एक ही प्लेयर हैं और वो भी हमारे इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं, अभी फ़िलहाल है या नहीं आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे झारखंड की प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर, तो अर्षिता लकड़ा जो है इसका राइट आंसर होगा। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, क्योंकि झारखंड में अभी तक जितने भी मंत्री बने हैं सारे के सारे क्या हैं, आदिवासी हैं। ठीक है, सारे के सारे आदिवासी हैं, लेकिन यहाँ पे गैर आदिवासी कहने का मतलब होता है कि वो आदिवासी नहीं है, और वो थे रघुवर दास। ठीक है, अभी तक जितने बने हैं, हेमंत सोरेन बने, मधु कोड़ा बने हैं, और आपका अर्जुन मुंडा बने हैं, ये सारे आदिवासी में आते हैं। ठीक है, लेकिन रघुवर दास जो है ना वो आदिवासी नहीं है, वो गैर आदिवासी है। तो इधर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, इसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ चुका है, और थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम इन किया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो क्वेश्चन को जूम इन किया गया, और यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन को जूम इन करते हैं, यहाँ पे झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के बारे में हमने बात किया, रघुवर दास। झारखंड का प्रथम बिजली घर, झारखंड में एक वह कौन सा बिजली घर है जो झारखंड का प्रथम बिजली घर कहा जाता है, मतलब सबसे पहले बना था, तो इसका नाम है तिलैया। ठीक है, तिलैया। आगे यहाँ पे और भी चीज़ है, झारखंड में प्रथम स्थापित विश्वविद्यालय, तो झारखंड में सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय को स्थापित यानी स्थापना किया गया था, तो इसका नाम हो जाता है रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बात करेंगे, झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज, और वो है संत कोलंबस कॉलेज। ठीक है, संत कोलंबस कॉलेज कहाँ पे है, तो आपको पता ही होगा संत जेबियर कहाँ है, रांची में, संत कोलंबस आपका मिल जाएगा हजारीबाग में। ठीक है, आगे बात आता है, झारखंड से प्रकाशित होने वाले प्रथम हिंदी समाचार, वो है राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, झारखंड के प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका, जो मासिक का मतलब होता है महीना में एक बार है ना प्रकाशित होता है, तो इसका नाम है घर बंधन। ठीक है, आगे बात करेंगे, झारखंड के प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार, मतलब दैनिक मतलब डेली, तो इसका नाम होता है दिल्ली प्रेस, है ना, सबसे पहले दिल्ली प्रेस चला था। आगे बात करेंगे, झारखंड का प्रथम फिल्म आक्रांत, ये सारे चीज़ जितना भी अभी तक हमने डिस्कशन किया सारे चीज़ों को याद रखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को 100% मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा जूम इन किया जाएगा तभी आपको समझ आएगा। चलिए यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को, झारखंड के प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार है दिल्ली एक्सप्रेस, झारखंड का प्रथम फिल्म आक्रांत जिसे हमने बताया, झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म, झारखंड में एक सबसे पहले नागपुरी फिल्म बना था और उसका नाम था सोना का नागपुर। ठीक है, सोना का नागपुर बना था, जो कि नागपुरी का पहला फिल्म है, वो भी झारखंड में बना था। झारखंड का प्रथम हवाई अड्डा बिरसा मुंडा
बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट बोलते हैं, जो अभी भी है ना, सबसे पहले झारखंड में यही हवाई अड्डा बना है। चलिए, झारखंड का प्रथम संथाली फिल्म, उसका नाम था मुख्य बरहा, है ना, मुख्य बहा। आगे बात करेंगे, झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश 1767 ईस्वी, है ना, सिंहभूम जिला में सबसे पहले अंग्रेज लोग प्रवेश किए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, झारखंड का प्रथम रेल मार्ग तो राजमहल से लेकर मुगलसराय तक बना था, राजमहल से लेकर मुगलसराय तक बना था झारखंड का प्रथम रेल मार्ग। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे, आपका यहाँ पे नाम आ जाता है फटिक चंद्र हेम्ब्रम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो सर शायद हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, और इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा जूम इन करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, यहाँ पे झारखंड का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची, जिसको हम लोग आज के डेट में रिम्स जानते हैं, रिम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, आज के डेट में इसको रिम्स कहा जाता है, ठीक है, तो रिम्स। चलिए आगे बात करेंगे, झारखंड का प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा में है। आप सब अगर लोहरदगा से हैं तो इनके बारे में थोड़ा बड़ा नॉलेज रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट, झारखंड का प्रथम आदिवासी पद्मश्री तो जुएल लकड़ा, इसी को पद्मश्री सबसे पहले मिला था। आगे बात करेंगे, झारखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता रणधीर वर्मा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी, तो इसका नाम है सावित्री पुर्ती, है ना। चलिए आगे बात करेंगे, आगे लिखता है कि झारखंड का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट्स जो है, इसका नाम है विजय नीलमणि खोलको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ याद रखेंगे, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है, सारे का सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन यही था। आई होप ये झारखंड का जीके आप सबको अच्छा लग रहा है ये सीरीज़, और झारखंड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, ये सीरीज आपको हमेशा अटेंड करना होगा। और नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे झारखंड के और भी नेक्स्ट सीरीज के बारे में। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो और धमाकेदार वीडियो के साथ, आपका अपना पेड कोर्स क्लास में।